हर स्क्रिप्ट का अपना एक सफर होता है तो चलिए ऐसे ही एक सफर पे जिसका नाम है स्क्रिप्ट नामा हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट स्क्रिप्ट नामा एक ऐसा पॉडकास्ट जो कहानी के पीछे की कहानी सुनाता है आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है

How are you, sir? How are you feeling? I'm very well. I'm excited about the podcast. And sir, मैंने आपके बारे में जितना पढ़ा है और जितना सुना है, शायद आपकी contribution के ऊपर मैं एक episode कर सकता हूँ. <laughs> Because last time जब हमारे show में guest आए थे, Karan Asnani, जिन्होंने अपनी short film match के लिए हमसे बात की थी, he said such high words for you. And I'm, I have attended your workshop. I know to what length and breadth you have gone for, you know, to teach screen screenwriting to people. So thank you, thank you. i i feel it's it's been a privilege uh, to be teaching for uh, so many years i've been teaching for more than 11 years now and uh, karan was uh, when i was very early in my teaching career uh, 10 years ago karan was my student a lot of my students have done well uh, some are hopefully doing better than me so i think uh, i am proud and uh, i must i must be thankful for uh, the response that students give to me Right. I think it is uh, that uh, passionate response that that keeps me going. Uh, but yeah, thank you so much. film, but sir, how you, as a person, got into the love for films and how the passion for writing came into your life. I think the love for cinema was because uh, of perhaps my mom and my brother. Uh, मेरी मम्मी uh, को काफी फिल्मों का शौक था एक समय में तो पापा को भी था फिर पापा काम वाम में बिजी हो गए तो उनका उतना शौक नहीं रहा बट मम्मी का काफी था तो वाइल ग्रोइंग अप हम लोग मम्मी के साथ फिल्में देखने जाते थे हमारे छोटे से शहर में बिहार के एक छोटे से शहर से मैं तो उस छोटे से शहर में भी उस वक्त पांच सिंगल स्क्रीन थिएटर थे right. आज एक भी नहीं है <laughs> तो मम्मी से आई थिंक ये आया और फिर मैं और मेरा छोटा भाई देवांशु हम दोनों साथ में फिल्में डिस्कस करके साथ में फिल्में देख के आ, हमारे बीच हम बॉन्डिंग हुई हम बड़े हुए तो आई थिंक सिनेमा का प्यार तो वहाँ से आया बट देन uh, एक बार मैं फिल्म मेकिंग को जब मैं जब इंटरेस्टेड होने लग गया एज अ स्कूल किड मुझे फिल्म कैसे बनती है वो इंटरेस्ट करने लग गया तो अराउंड दैट टाइम आई वाज फैसिनेटेड विद एवरीथिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद फिल्म बट इवेंचुअली जब मैं आई थिंक 18 साल का हुआ 18 19 साल का Uh, मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और uh, मैं डॉक्टर बनने बन, बन रहा था पढ़ाई कर रहा था एमबीबीएस की uh, उस वक्त मेरे पास लैपटॉप नहीं था और कैमरा नहीं था तो मैं uh, शूट नहीं कर सकता था और एडिट नहीं कर सकता था लेकिन राइटिंग करने के लिए आपको सिर्फ पेन और पेपर चाहिए तो आई थिंक फिल्म मेकर फिल्म बन फिल्म से मेरा जो प्यार आया वो मेरे कंडीशंस के कारण आया मेरे मॉम और भाई के कारण But writing के तरफ I think मैं इसलिए बढ़ा क्योंकि मेरे पास कोई option नहीं था I think it was you know the lack of resources that told me कि यार writing तो कर लो ये इसमें तो कुछ नहीं लगता and in fact I wrote my first feature film chindu ka birthday when I was only 23 and I was uh, in my medical college तो wahi pe class mein classroom mein back bench pe बैठ के मैंने right. Chintu का birthday ki script लिखी थी so te. that's how I started writing aur uh, uske baad आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट राइटिंग बिकॉज मुझे बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक है मुझे रियलाइज हुआ कि राइटिंग भी एक चीज है जो सीखी जा सकती है लोगों को लगता है कि राइटिंग वगैरह तो यार वो तो या तो आपको आता है या नहीं आता yeah, yeah. बट ऐसा नहीं है आप ये सीखने की चीज है तो जब मैंने मैं जब बॉम्बे आया से चौदह साल पहले तो मैंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया तो मैं चुपचाप घर पे बैठ के पढ़ाई करता था स्क्रीन राइटिंग की और उससे धीरे धीरे ये और गहरा प्यार होता चला गया बिकॉज द मोर यू Dwell into the craft, you realize, realize how beautiful and uh, mysterious and amazing it is. Right, right. Engineers turn writers, we have <laughs> I think that doctor turned writer is the first time I'm coming across. Uh, so, sir, you said that you have done script, you have done a birthday. of uh -huh. Where did you have done idea, idea. Like, when and how you came across the idea, and what was their idea, the idea, the first line that came to you. आई थिंक मार्च ऑफ़ 2007 भेजा फ्राई रिलीज हुई थी yeah, yeah, yeah. और भेजा फ्राई बहुत बड़ा सक्सेस थी कमर्शियली yeah, भी या 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 तो उससे हम लोग को लगा कि यार फिल्म इंडस्ट्री में अगर घुसना है mm -hmm. तो कुछ स्क्रिप्ट लिख लेते हैं तो उससे शायद एंट्री मिल जाएगी और हमने सोचा कुछ स्मॉल बजट लिखते हैं जिससे वो जल्दी से बन जाए right. तो ऐसा कुछ दिमाग में था कि कुछ एक कंटेन्ड स्मॉल फिल्म लिखना है ओके okay. दूसरी चीज जो थी कि उस वक्त मैं बहुत सारी फिल्में देख रहा था वर्ल्ड सिनेमा से और इंडियन सिनेमा से तो मुझे याद है जिस दिन चिंटू का बर्थडे का आइडिया मेरे दिमाग में आया था उसके एक शाम पहले मैंने मंडी देखी थी श्याम बेनेगल की राइट right. और मंडी हम लोग के दिमाग में नोशन ऐसा है की श्याम बेनेगल और आर्ट हाउस सिनेमा पैरल सिनेमा तो लगता है कि सब सीरियस है mm -hmm. बट मंडी जो है वो कॉमेडी है yeah. और वो फिल्म में फोर्टी मिनट पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो कॉमेडी है कि हम गलत देख रहे थे इस फिल्म को एक्चुअली तो कॉमेडी है गलत से गलत परसेप्शन परसेप्शन से देख रहे थे तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये जो ह्यूमर है ना ये किसी भी सिनेरियो में क्रिएट हो सकता है क्योंकि मंडी के जो कैरेक्टर्स हैं या जो सेटिंग है वो कोई बहुत मतलब वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट सेटिंग है वो सैड सेटिंग है वहाँ पर लिमिटेशन है वहां पर प्रॉब्लम्स हैं बट वहां भी ह्यूमर क्रिएटेड है तो उससे मुझे आ, सीखने को मिला कि यार ह्यूमर कहीं भी क्रिएट हो सकता है जब अगले दिन क्लासरूम uh, कोई लेक्चर uh, चल रहा था right. वहां पर बैक बेंच में मेरा एक फ्रेंड न्यूज पेपर पढ़ रहा था okay. तो उसने ऐसे ही न्यूज पेपर पढ़ते ना मेरे कान में ऐसे ही इराक के बारे में कुछ बोला की पता है इराक में ऐसा कुछ तो उसने बोला ओके okay. मुझे लगा कि यार इराक में कोई फिल्म सेट हो सकती क्या अब उस वक्त मेरे दिमाग में और भी चीज़ें थी वर्ल्ड सिनेमा देख के कि वर्ल्ड सिनेमा में ना दुनिया भर के लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग एथनीसिटी के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो मेरे मन में था यार हमारे हिंदी बोलने वाले या हमारे इंडियन कैरेक्टर्स इंटरनेशनल एथनीसिटी के लोगों के साथ एक कमरे में कैसे बैठ सकते हैं तो आई थिंक ऑल दिस फैक्टर्स लेड टू दिस आइडिया दैट हम एक फिल्म बनाते हैं जो इराक में सेट है एक दिन की कहानी है पूरी फिल्म घर के अंदर है और उसमें इंडियन कैरेक्टर्स हैं जो कि उस घर में ट्रैप्ड हैं एंड दे आर विजिटेड बाय इंटरनेशनल कैरेक्टर्स। तो सर मतलब आपने ही खुद को ब्रीफ दिया हाँ। लेके कि kind of an तो से हाँ, हाँ। ले मैंने अपने को चैलेंज किया और जब मैंने अपने भाई से शेयर किया ये हाँ। उसी दिन हाँ। तो ही वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड उसको लगा कि मतलब ये आ, उसको जबरदस्ती लगा उसको लगा ये जबरदस्ती का क्यों लिख रहे हो मतलब इह, है ना उसमें बेसिकली आई थिंक उसको उसमें इमोशनल ग्राउंडिंग नहीं दिखी होगी इह, उसमें तो एक हफ्ते आ, तक मैं सोचता रहा और एक हफ्ते बाद मैंने उसको बताया कि देखो कहानी ऐसी कुछ है इह, कि एक इंडियन फैमिली है जो इराक में फंस गया है इह, वहां वॉर चल रहा है और एक दिन की कहानी है और आज उस फैमिली में एक बच्चा है उसका बर्थडे है और वो लोग कैसे बर्थडे मनाएंगे इस सिचुएशन में उस पर फिल्म है ये जब मैंने अपने भाई देवांशु को बताया हाँ। तो उसने कहा कि हाँ ये करेक्ट है एक फिल्म है और इराक <laughs> के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था अच्छा था। और उस वक्त इंटरनेट वगैरह का उतना पंद्रह साल पहले रही, रही, हाँ। और उस वक्त तो स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं होते थे इंटरनेट एक्सेस हम लोग साइबर कैफे जाते थे तो रिसर्च तो काफी करना पड़ा इराक को समझने के लिए या। और बहुत चीजें जो फिल्म है वो एक्चुअली प्योर रिसर्च से है कई कई कैरेक्टर सीधा रिसर्च से है हाँ हाँ या, या। तो मैं मुझे नहीं एक सवाल हमेशा होता है राइटर्स को लेके कि आर यू अ अ कैरेक्टर फर्स्ट राइटर राइटर और प्लॉट ड्रिवन सो आप अपने आप को किसी कैटेगरी में देखते हो या यू आर लाइक कि नहीं मैं तो दोनों ब्रीफ पे काम कर सकता हूँ यार फ्रैंकली ये सब चीजें ढूंढते ढूंढते पता चलती हैं Uh, किसी कहानी में आपको पहले प्लॉट आ जाएगा राइट right. और प्लॉट इतने अच्छे से आता है दिमाग में कि अचानक आपको लगता है कि अब तो कैरेक्टर पे काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिल्म बन गई फिर आप जब लिखते हो तो रियलाइज होता है कि कहानी तो है मगर उसमें कोई डेप्थ नहीं है सुपरफिशियल yeah. yeah, yeah, yeah. है सुपरफिशियल yeah. क्योंकि उसमें right. कैरेक्टर पे काम नहीं हुआ है कभी right. कभी ऐसा होता है की आपके पास कैरेक्टर है लेकिन कोई प्लॉट नहीं है तो आप कैरेक्टर पे काम करते हो और उसके बाद मुश्किल से प्लॉट बनता है और फिर आपको रियलाइज होता है की यार कैरेक्टर तो बहुत अच्छे थे लेकिन ये नहीं बन पा रही है ये आ, कहानी तो आई थिंक ये बहुत सब्जेक्टिव है आ, और स्पेशली शुरू में पहले दस साल तो मुझे लगता है राइटर के करियर में ये सब समझने में ही और अपने आप को ढूंढने में ही समय लग जाता है आ, मैं आज भी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअली मैं कैसा राइटर हूँ मुझे लगता है कि स्क्रीन राइटिंग के जितने एस्पेक्ट है मैं सबको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा राइटर हूँ जो बोलेगा कि यार मैं प्लॉट बहुत अच्छा लिख दूंगा तो हो जाएगा कैरेक्टर को ज्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं है ना ही मैं वैसा राइटर हूँ जो बोलो बोलेगा कि यार मैं कैरेक्टर बनाऊंगा वही सब कुछ है प्लॉट तो नहीं होगा तो भी चलेगा मेरे हिसाब से आ, मैं हर चीज को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ क्योंकि राइटिंग बहुत डिफिकल्ट चीज है यार और आप आप सोचो आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हो और आप बोलते हो कि यार मैं चढ़ूंगा लेकिन गर्म कपड़े के बिना चढ़ जाऊंगा या बोलते हो कि मैं चढ़ूंगा लेकिन खाना लेके नहीं जाऊंगा या मैं टेंट लेके नहीं जाऊंगा मैं तो बोलता हूँ सब कुछ लेके चलो यार गर्म कपड़े भी लेके चलो खाना भी लेके चलो टेंट भी लेके चलो पता नहीं क्या हो जाए रस्ते में क्या प्रॉब्लम आ जाए इसीलिए एज ए राइटर्स आप कैरेक्टर रिसर्च प्लॉटिंग सीन राइटिंग डायलॉग राइटिंग किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते मुझे ऐसा राइट वेन डिड यू फर्स्ट ड्राफ्ट सो आइडिया के छह महीने बाद मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी था okay. हाँ, हाँ. फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने रेडी कर लिया था और बहुत खराब था <laughs> लेकिन उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो बहुत अच्छे थे okay. तो जब हम वो लोगों को सुनाते थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग okay. रिएक्शन आता था ऑल्सो oh. मुझे लगता है कि ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड थे हम मैं मेरा भाई मेरे से भी छोटा था तो शायद लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते होंगे कि कुछ बहुत अच्छा हम सुनाने yeah. वाले हैं yeah. तो इसीलिए लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता था ऑल्सो आइडिया में ओरिजिनलिटी तो है ही राइट right. तो उसके कारण भी शायद लोगों को होता था बट स्क्रिप्ट में बहुत प्रॉब्लम्स थी आ, लेकिन हाँ छह महीने में हमने फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया एंड हम लोग के पास एक था जिसको हम लोग फिल्म बनने में पांच साल और लग गए तो उस पांच साल में हमने और उसको इम्प्रूव किया राइट right. तो ऑल दो पांच साल वाला जो ड्राफ्ट था मेरे हिसाब से रेडी टू शूट था Okay. लेकिन 10 साल वाला जो ड्राफ्ट था वो उससे काफी बेहतर था क्योंकि पांच साल में वो और ऑटोमेटिकली रि, हो, रिफाइन होते गए होता चला गया एनी काउंट यू रिमेम्बर कि आपने कितने रीराइट्स किए नहीं यार वो याद ही नहीं है क्योंकि एक तो 10 साल के पीरियड में है तो बहुत बार लिखा नहीं, गया नहीं। बट मेजर मेजरली फिल्म मुझे लगता है एक बार 2007 में लिखी गई फर्स्ट ड्राफ्ट राइट उसके बाद फिल्म रीराइट वगैरह होती रही मगर कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ right. फिर 2011 में एक ब्लैंक पेज से लिखा गया एक ड्राफ्ट okay. और वो बहुत डिफरेंट था 2007 के ड्राफ्ट से फिर 2012 में फिर से एक नया लिखा गया तो आई थिंक तीन बार आ, स्क्रिप्ट को बिल्कुल ब्लैंक पेज से लिखा गया है राइट right. और उस हर वर्जन को फिर कई-कई बार रीराइट किया गया सो so, जब आपने लिखी थी अपने आपके भाई के साथ Were you confident and were you sure कि आप डिरेक्ट भी करोगे देखो जब शुरू में जब लिखी थी वो तो ये सोच के लिखी थी कि कोई डायरेक्ट कर ले तो हमारा करियर शुरू हो जाए बट <laughs> <laughs> जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं जिनके पास हम गए <laughs> उन्होंने और वो स्क्रिप्ट सुनते ही इमिडियटली उन्होंने कहा कि ये तुम लोग खुद डायरेक्ट करो oh. उस दिन तो बहुत बुरा लगा क्योंकि उस दिन लगा की वो हमें नो बोल रहे हैं। right. लेकिन एक्चुअली वी आर थैंकफुल टू हिम उनके कारण हम लोग हम लोगों के दिमाग में ये बात आई

बट मुझे लगता है मोस्टली एक वर्ल्ड व्यू है और उसमें एक सर्टन टोन है उसमें लिखते हैं right. और डायरेक्ट करते हैं मगर सबसे ज्यादा जो हमें पसंद है वो वही स्पेस है जो चिंटू का बर्थडे का है right. जो एज फार एज द हार्ट एंड द्यूमर इज कंसर्न की ये हम दोनों से, के अंदर से आ रहा है नेचुरली right. आ रहा है ऑल्सो

अगर आपके पास एक बहुत ही यूनिक एक बहुत ही नया वर्ल्ड है तो कैसे हम वो सौ और एक सौ बीस पन्नों में उस वर्ल्ड को स्टैब्लिश करके उसको दिखा सके कि जो डिरेक्टर है, जो पढ़ रहा है उस स्क्रिप्ट को वो उसको उतार सके जो आर्ट डायरेक्टर है जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो उसको क्रिएट कर सके सो हाउ टू अप्रोच क्रीन राइटिंग फ्रॉम पहला है कि क्राफ्ट कैसे करें hmm. और दूसरा है कि उसको हम किन वर्ड्स में पेपर पर डिस्क्राइब करें एग्जैक्टली exactly. है ना क्या yeah, yeah. तो आई थिंक आपका क्वेश्चन दूसरा वाला है मेजरली ऑन द सेकेंड पार्ट बिकॉज नॉवेल्स में पांच सौ पेज होते हैं पांच सौ पेज में आप सिर्फ वर्ड स्टेब्लिश ही करो आपके पास टाइम है आपके पास yeah. पेजेस है

वो एक बहुत बड़े कोलैबोरेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है तो उसको थोड़ा इस बात पे भरोसा रखना चाहिए कि ही और शी विल बी सपोर्टेड बाय एक्टर्स डायरेक्टर डीओपी प्रोडक्शन डिजाइनर एडिटर साउंड डिजाइनर म्यूजिक डायरेक्टर ये uh, एक तो एक थोड़ा भरोसा रहना चाहिए कि मेरे कोलैबोरेटर्स हैं दूसरी चीज स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं वो आप अगर बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिख लोगे और वो बन भी जाएगी अगर तो भी वो 200-300 लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम फिल्म बनने तक बनने तक रहे। लेकिन फिल्म बन जाएगी तो लाखों करोड़ों लोग उसको देखेंगे, देखेंगे। तो आपका जो स्क्रीन प्ले है वो नॉवल की तरफ फाइनल फॉर्मेट नहीं है आ, आ, स्क्रीन प्ले से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो अपने ऑडियंस से आपके स्क्रीन प्ले पर कोई फिल्म बन रही है उस फिल्म से ऑडियंस कनेक्ट कर रही है राइट राइट तो एक बार अपने दिमाग में ये बात अगर क्लियरली आ जाए तो हमको ये पता होना चाहिए कि ना तो हमारे पास उतनी जिम्मेदारी है कि हम सब कुछ डिस्क्राइब करें okay. और ना हमारे पास उतना अधिकार है कि हम सब कुछ डिफाइन करने जाएं। हमको बहुत सारी चीजें छोड़ना चाहिए uh -huh. हमारे कोलेबोरेटर्स के ऊपर और उनको हमें अधिकार देना चाहिए कि वो कर सकें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ sure, अगर आप एक नॉवलिस्ट हो uh -huh. तो आप एक सीन है आपका एक नॉवल का जिसमें एक क्लासरूम है और वो क्लासरूम में आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो वहां के वॉल्स किस कलर के हैं और विंडो कैसा है और सनलाइट कैसे आ रहा है कितने बच्चे बैठे हैं किसका चेहरा कैसा है बेंच और ये कैसा है टीचर कैसा है ब्लैक बोर्ड ऐसे आप डिस्क्राइब करते हो नॉवल में काफी डिस्क्रिप्शन का स्कोप होता है एज अ स्क्रीन राइटर जब आप ये सीन लिखते हो तो आप एक से दो सेंटेंसेस में डिस्क्राइब कर दो फॉर एग्जांपल आप लिखते हो अ नॉन डिस्क्रिप्ट क्लासरूम स्पार्सली पॉपुलेटेड बाय अन इंटरेस्टेड स्टूडेंट फुल स्टॉप सिर्फ इतना लिखकर आपने बहुत कुछ कन्वे कर दिया अभी right. आपने कन्वे कर दिया कि ये क्लासरूम बहुत एवरेज सा दिखता है mm -hmm. आपने कन्वे कर दिया यहाँ कम स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपने ये भी कन्वे कर दिया कि उनके चेहरे से दिख रहा है कि वो बोर हो रहा है ठीक yeah. है ना yeah. अब आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन डिजाइनर पर डीओपी पर डायरेक्टर पर और एक्टर्स पर कि वो इस दो लाइन के ब्रीफ को उठाकर कोई एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेंगे जो उस नॉवलिस्ट के वर्ल्ड जितना रिच होगा वाह अगर आप इस चीज को समझे कि आपको लिखना कैसा है और लिखना कितना है तो देन इट बिकम्स इजी बट अगेन इट कम्स विद प्रैक्टिस राइट या इट मोस्टली कम्स विद रीडिंग अदर पीपल्स मटेरियल या विद रीडिंग स्क्रीन प्ले या या Because आप जब देखते हो कि दुनिया के बेहतरीन फिल्में लिखने वाले भी कम से कम शब्दों में कर रहा है तो फिर अगेन so 120 पेजेस आधा जो भार होता है वो डिस्क्रिप्शन उठा रहा है एक मेजर भार होता है वो कैरेक्टर्स उठा रहे हैं तो हाउ वी शुड अप्रोच राइटिंग कैरेक्टर्स हाउ यू रोट Like Madan, uh, Sudha, and my favorite, तो, uh, तो, तो यारेक्टर्स है वो सब लाइफ से ही आए हैं मेरे अपनी फैमिली से ही आए हैं मोस्टली right. कैरेक्टर्स को फ्यूज करके mm -hmm. आए हैं आई थिंक लक्ष्मी का कैरेक्टर बहुत हद तक मेरा अपना कैरेक्टर है okay. हाँ, आ, और चिंटू का कैरेक्टर मेरे भाई बर्थडे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप कैरेक्टर बना रहे हो uh -huh. तो यू हैव टू मेरे ना कैरेक्टर बिल्डिंग को लेके दो रूल है uh -huh. जो कि मैं बहुत मतलब वो फंडामेंटल रूल है कैरेक्टर बिल्डिंग का पहला रूल है कि कैरेक्टर्स आर ह्यूमन बींग्स और ये बहुत ऑब्वियस बात लग रही होगी बट कई राइटर्स कैरेक्टर को बहुत ही सुपरफिशियल वे में ट्रीट करते हैं और अगर आप उनसे ईमानदारी से पूछोगे कि आप क्या अपने कैरेक्टर को उतने अच्छे से जानते हो या क्या आपका कैरेक्टर उतना रिच और लेयर्ड है क्या आपका कैरेक्टर उतना कॉम्प्लेक्स है जितना एक ह्यूमन बींग्स ह्यूमन होता है तो वो नहीं जवाब दे पाएंगे आई थिंक जो राइटर्स ये बात मानते हैं कि कैरेक्टर शुड बी एज कॉम्प्लेक्स एंड एज लेयर्ड एंड एज एज रियल ह्यूमन उनकी राइटिंग में वो दिखता है सो so, ये पहला रूल है और दूसरा रूल है कि ऑफ योर कैरेक्टर वर्क विल नॉट बी सीन बाय द ऑडियंस तो आप कैरेक्टर वर्क ऐसी चीज है कि आप उसमें अगर सौ घंटा काम करोगे ना तो लोगों को स्क्रिप्ट पढ़ के लगेगा कि आपने दस घंटा काम किया है okay, yeah. क्योंकि नाइनटी परसेंट ऑफ योर कैरेक्टर वर्क डॉ जो फॉर्मेट है ना उसमें हम लोगों के थॉट्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते जैसे नॉवल में कर सकते हैं right. और अगर हम फीलिंग करेंगे तो हम उस इंसान को कैसे डिस्क्राइब करें क्योंकि तो <laughs> बिना तो बड़ा मुश्किल है इसीलिए मोस्टली कैरेट वर्क जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है uh -huh. तो मुझे ये लगता है कि अगर हम इसको चिंटू का बर्थडे पे अप्लाई करें uh -huh. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मैंने उनको ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट किया है right. क्योंकि मैं वो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आए हैं तो right. इसीलिए मैं उनको महसूस कर सकता हूं इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग देम आई कैन फील देम आई कैन फील देयर बिहेवियर आई कैन फील देयर रिएक्शन बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि मुझे उनके बारे में जितना पता है फिल्म में उसका 10% ही दिख रहा है yeah. है ना अ yeah, yeah. uh, अब अगर आप कोई फिल्म लिख रहे हैं जिसके कैरेक्टर्स बिल्कुल आपके लाइफ से नहीं आए हैं इन दैट केस आपको कैरेक्टर वर्क पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि एक तो वो कैरेक्टर्स ह्यूमन बीइंग्स की तरह कॉम्प्लेक्स होकर बन जाए और दूसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी भी मेहनत करो नाइनटी वो मेहनत तो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं टेन परसेंट ही पहुंचेगा तो मेरा ब्रॉडली यही अप्रोच रहता है ब्रॉडली क्योंकि इसके बाद फिर बहुत कैरेक्टर वर्क <laughs> पर इतना काम है कि मुझे नहीं लगता कि पूरी फिल्म राइटिंग में किसी भी चीज पर इतना बिट मोर ऑन दैट थोड़ा सा ये एक चीज होनी चाहिए कि कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें फ्लेक्सिबल है <laughs> और कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें उसका कोर बनाती और वो ऑब्जेक्टिव चीजें होंगी जैसे डेट ऑफ बर्थ आप दस दिन आगे दस दिन पीछे उसको पैदा कर दो तो नहीं नहीं लेकिन जो कोर है कैरेक्टर का uh -huh. जिसको लेके आप ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते uh -huh. उस कहानी में दूसरी कहानी में फिर वो चेंज हो जाएगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कोर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए क्योंकि का जो है। आप वो कैरेक्टर बना रहे हो ठीक है uh -huh. उस कैरेक्टर को बनाते वक्त आपको कहानी में ब्रॉडली इतना पता है कि शादी के एक दिन पहले इसके फ्यों ने इसको बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा right. और उसके बाद हनीमून पर लड़की अकेले निकल गई right. और जो भी हुआ सो हुआ अंत में उसको समझ में आया कि यार खुद से प्यार करो ना अपने आप से प्यार करो खुद खुश रहो पहले उसके बाद देख लेना कि किससे प्यार करना है किससे शादी करनी है इतना तो आपको पता होगा कहानी शुरू करने के पहले इतना तो ये तो दीज आर द द्रॉडेस्ट यू नो अगर या। आपको ये भी नहीं पता तो आप वो आइडिया पे कैसे काम करोगे राइट अब आपको और डिटेल में नहीं पता है आपको नहीं पता है वो कैरेक्टर यूरोप ट्रिप में क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं वो सब आपको अभी नहीं पता है वो तो पूरी कहानी है हाँ हाँ अब आप बना रहे हो कैरेक्टर तो आप इस कैरेक्टर को बनाते वक्त अगर इसका डेट ऑफ बर्थ और इसका ये कपड़े कैसा पहनती है और उन सब चीजों को अगर बना रहे हो तो बनाओ मगर आप उसको चेंज भी कर दोगे तो ज्यादा फर्क कहानी बनी पड़ने वाला लेकिन अगर आप ये बनाते हो उस कैरेक्टर का कोर कि वो लड़की ऐसी है जिसको हमेशा लगता है कि कोई सामने वाला प्यार करे वो दूसरों से प्यार पाने में ही अपना वैलिडेशन ढूंढती है right. और इसके लिए वो सामने वाले को भी उतना प्यार करती है right. तो शी इज लाइक अ एन एक्सट्रीमली गिविंग केयरिंग लविंग कैरेक्टर हु इज कांस्टेंटली सबकॉन्शियसली स्केर्ड ऑफ लूजिंग लव कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए ठीक right. है right. अगर आपने ये कोर बना लिया right. आप देखोगे आपके अराउंड right. आपके right. फैमिली में आपके दोस्तों के बीच ऐसे लोग हैं right. जो कि अंदर से इतने इनसेक्योर हैं और इसमें मैं इसको किस बिना जजमेंट के मैं बिल्कुल वैल्यू न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ वो अंदर से इस बात को लेकर इनसेक्योर करना ना बंद कर दें जैसे मेरे अंदर कोई और देसिक्योरिटी होगी मेरे अंदर ये इनसेरिटी नहीं है लेकिन किसी और में ये इनसिक्योरिटी हो सकती है कि कोई मुझे प्यार करना ना बंद कर दे तो इसलिए वो बहुत ज्यादा गिविंग और केयरिंग होते बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बहुत ज्यादा वो सेल्फलेस हो जाते हैं ठीक है आप अपने लाइफ के इन लोगों को ऑब्जर्व करके उन्हीं के छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बना सकते हो कैरेक्टर को लेकिन एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही वो ये है कि ये कैरेक्टर प्यार को पाना चाहता है बाहर से एक बार ये बन गया ना तो आपको पता चल गया कि जब इसको शादी के एक दिन पहले डंप करेगा इसका कफियाओं से तो उसका कितना दिल टूटेगा राइट और आपको ये भी पता चल गया कि कहानी के अंत में जब ये बोलेगी यार भाड़ में जाओ अभी मैं अपने आप को प्यार करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि यार इसको सबसे बड़ा लेसन यही सीखना था जो सीख लिया, राइट? Exactly, right? exactly. तो कैरेक्टर बिल्डिंग का एक कोर होता है जो जिसको लेके हमें बहुत सीरियस होना चाहिए और उसके बाद उसका एक कवरिंग होता है जिसमें बहुत डिटेल्स होते हैं जिन डिटेल्स को हम बेशक हमको बनाना चाहिए लेकिन आई थिंक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम वहां हो जाती है क्योंकि वो ये गलती कर बैठते हैं उनको लगता है कि वो जो सुपरफिशियल ऑब्जेक्टिव डिटेल्स हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट कोर है core. अगर हम कोर बना के उसके बाद वहां से पैदा करेंगे ना बाकी डिटेल्स को तो कैरेक्टर वर्क हमेशा ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड होगा right. उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी right. वो बहुत ही रैंडम नहीं होगा उसके hmm. पीछे एक रीजन एक होगा hmm. तो आई थिंक कैरेक्टर का बायोग्राफी और उसका सारा डिटेल बिल्कुल बनाना चाहिए बट इट शुड बी गाइडेड बाय द कोर ऑफ द कैरेक्टर

मीनिंग कि ऑडियंस को आपके हीरो में एक फेथ है हुँ. कि ये जो चाहेगा वो उसको मिलेगा right. लेकिन ऑडियंस के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स और एंटेगनेस्टिक फोर्सेज है उसको लेके एक फियर है कि यार ये प्रॉब्लम इतने बड़े हैं कि बेचारे को मिलेगा कैसे okay. तो ये फेथ और फियर की लड़ाई चलती रहती है ठीक yes. है तो. अब क्या है कि फेथ और फियर दोनों ऐसी चीजें इनफैक्ट लाइफ की हर चीज है ऐसी है इकोनॉमिक्स uh, का रोल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो ये है कि अगर जैसे मान लो आपको एक बहुत दिन से आपने गुलाब जामुन नहीं खाया हाँ। और आपको मैंने लाइफ का बेस्ट गुलाब जामुन खिलाया तो आप खाओगे और आप बहुत खुश हो जाओगे बिल्कुल फिर मैं उसी वक्त आपको जब दूसरा गुलाब जामुन खिलाऊंगा तो आपको खुशी होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितना दो मिनट पहले हुई थी और उसी उसी दिन वक्त अगर मैं आपको पंद्रह गुलाब जामुन खिला दू तो पंद्रहवा गुलाब जामुन खाते खाते आप मेरे से नाराज हो जाओगे कि मैं कहानी शुरू हुई है फॉर एग्जाम्पल लगान में भुवन जो है उसमें हमें फेथ है ये क्रिकेट मैच जीतेगा और गांव वालों को लगान से फ्री करा देगा फियर ये है कि यार क्रिकेट कैसे जीतेगा इतना आसान थोड़े इसके लिए क्रिकेट जीतना और ये अंग्रेज तो ऐसे भी बहुत कमीने लोग हैं तो ये कैसे होगा उसका डर लगता है हमें अब अगर उस फिल्म में नहीं। स्टेक्स नहीं राइज़ करें, नहीं। विच मींस कि बात सिर्फ अब वो क्रिकेट मैच की नहीं रहे नहीं। बात और भी कुछ हो जाए अगर वो नहीं होता है तो एक समय के बाद ना पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट के बाद अगर फियर नहीं बढ़ रहा है और फेथ नहीं बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू हमारे आंख के सामने कम होने लग जाएगा ठीक है या। तो इस हमारा फेथ भी बढ़ते रहना चाहिए में और फियर भी बढ़ता रहना चाहिए उसको देखने का मतलब यह है कि कुछ कुछ ऐसा करता रहे कि हमारा विश्वास उसमें बढ़ता रहे, रहे जो रहे, आप रहे। देखो लगान में भुवन पर हमें भरोसा बढ़ता रहता है जिस तरीके से वो टीम बनाता है लोगों को सिखाता वो धीरे 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 हमें लगता है यार ये हमारा इस पे भरोसा जो था वो सही था हमने सही इंसान पे भरोसा किया राइट तो फेथ हमारा बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है हमेशा अंत तक हैरी पॉटर जब आपने फर्स्ट बुक पढ़ा होगा आपको तब से फेथ होगा उस पर लेकिन सात बुक पढ़ते पढ़ते आपका फेथ बढ़ता चला गया उस बच्चे पे राइट उसी तरह फियर आया होगा की एक खतरनाक आदमी है सातवेंडोर चलेगा यार रही। रही। तो इसीलिए वो दोनों का बढ़ते रहना जरूरी है वरना एंड तो में जब फाइनल क्लाइमैक्टिक बैटल होगा ना उसमें मजा नहीं आएगा और इसीलिए स्टेक्स बढ़ाना जरूरी होगा तो मुझे लगता है ये आंसर करते करते मैंने आपको आंसर कर दिया कि स्टेक्स स्टेक्स कैसे कैसे बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा स्टेक्स बढ़ेगा अगर आपका ऑडियंस का प्रोटैगनिस्ट में में हीरो हीरो फेथ बढ़ाते रहो रही हीरो रही के बिहेवियर से और उसके एक्शन से रही 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 ऐसा करते रहो कि ऑडियंस पहले अगर उस हीरो पर सौ रुपए का सट्टा लगाता तो हर पंद्रह मिनट में ऑडियंस सौ सौ रुपए लगाते जा रहे कि नहीं यार ले और पैसे लगाता हूं मैं इस पर ठीक है तो हीरो एग्जिबिट करता रहे क्वालिटीज जिन क्वालिटीज हमें लगे कि नहीं यार ये जरूर जीतेगा और विलेन या एंटागोनिस्ट या जो कॉन्फ्लिक्ट के फोर्सेस हैं वो एग्जिबिट करते रहे अपना कि वो कितने खतरनाक हैं जिसके कारण हमारा डर भी बढ़ता रहे ये दोनों चीजें जब होती रहेंगी तो अंत अंत में क्या होता है अगर आप अगर मैं आपको बताता हूं कि सड़क पर एक इंसान की जान चली गई तो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन अगर आप इंसान को थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा अगर वो इंसान आपका बैचमेट है तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा लगे लगे। अगर वो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपको और ज्यादा बुरा लगेगा यानी कि आपका जो स्टेक्स है स्टेक्स क्या होता है कि दाव पे लगा क्या हुआ है स्टेक्स उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा जुड़े हुए हो है ना तो अगर आप प्रोटैगनेस में फेथ बढ़ाते रहोगे तो आपने ऑडियंस को और जोड़ दिया जब आप ऑडियंस ज्यादा जुड़ गई है तो फिल्म के शुरुआत में भुवन हार जाता

ठीक है तो मेरा एकदम सिंपल सा सवाल है सर कि हाउ टू क्रिएट इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड डेंजरस एंटागोनिस्ट इन टू केसेस केस वन ही इज अ पर्सन लाइक मुगैम्बो वी सी हिम लाइक द इंग्लिश टीम इन लगान वी वी सी देम राइट एंड केस टू व्हेन वी डोंट सी एंटागोनिस्ट एज इन ब्लड एंड फ्लेश बट दे आर द नेचर सो लाइक If it's a story of people at a beach. Like Titanic. Like Titanic. Hmm. Exactly. Yeah. So how to uh, how to work on those two different kind of uh, antagonists. Hmm. So Titanic uh, जैसे फिल्मों में जहाँ पर antagonist human being नहीं है, hmm. वहाँ तो मैं बोलूँगा आसान है, क्योंकि जो superhuman forces हैं, उनका खतरनाक या स्ट्रॉन्ग होना तो हम मान के बैठे हैं राइट right. उनका होना भी हम लोग वो तो हमको पता है कि होगा ही, right. ही। इसीलिए मुझे लगता है वो आसान है नेचर आ, देखो ना पानी जितना सूदिंग है उतना ही डेंजरस भी है राइट right? right. तो वो आसान है आई थिंक और जनरली सुपर ह्यूमन फोर्सेज जब एंटेगनिस्ट होते हैं तो कहानी बेसिक सर्वाइवल की हो जाती है राइट सुपर ह्यूमन फोर्सेज यानी नेचर सुपर ह्यूमन फोर्सेज यानी कोई स्पिरिट या कोई गोस्ट Right. उसमें कहानी बेसिक सर्वाइवल की हो जाती है और सर्वाइवल की कहानी ऐसी होती है कि आपको फिल्म का लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा होगा फिर भी आप देखोगे right. है ना right. लेकिन जो फर्स्ट है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग होता है uh -huh. तब एंटेगनिस्ट को खतरनाक कैसे बनाना है uh -huh. सबसे पहले अगेन क्यों बनाना है खतरनाक खतरनाक इसलिए बनाना है कि स्टोरी टेलिंग का एक एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है uh -huh. कि वी वॉन्ट आर विन बट ओनली आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू हेल्थ <laughs> अगर कोई बड़ी आसानी से जीत जाए yeah. तो हमें नहीं मजा आता right. अगर मैं आपको बताऊँ बॉम्बे में चौदह साल से और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहा hmm. तो आपको मेरी कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा right. लेकिन मैं अगर बताऊ चौदह साल में बॉम्बे में मैंने कितना संघर्ष किया ah. तो आपको मेरी कहानी में इंटरेस्ट आने लगा right. Right. तो इसीलिए कोई हीरो बड़ी आसानी से जीत जाएगा तो हमें मजा नहीं आएगा इसीलिए एंटागोनिस्ट को या विलेन को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी होता है जिससे हीरो का जीतने पे हमें ज्यादा मजा आए ठीक है कैसे बनाते हैं उसका आ, मेरे हिसाब से बहुत फैक्टर्स हैं लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है जो कि आपको मुझे लगता है एवेंजर्स और थानोस का एग्जांपल सबको याद होगा हो जो विलेन है ना वो विलेन का जो रीजनिंग है वो बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पर होना चाहिए विलेन प्रिंसिपली नुँ। नुँ। किसी ऐसी चीज पे बिलीव करे जो आपको लगे कि यार ये गलत नहीं कह रहा है जब आपका एंटागनिस्ट ट्रूली रीजनेबली बिलीव करता है अपने में जो पोलिटिकल लीडर अपनी आइडियोलॉजी पर बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करता है uh -huh. वो डेंजरस हो जाता है right. जो पॉलिटिकल लीडर अपने आइडियोलॉजी को लेके फ्लेक्सिबल रहता है uh -huh. उससे हमको डर लगना खत्म हो जाता है, right. है right. तो अगर आपका आपका जो विलन है उसको अपनी आइडियोलॉजी पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए और आइडियोलॉजी पर जो बिलीफ है वो किसी छोटे मोटे कारण के कारण नहीं हो सकता है कि मुझे हीरोइन पसंद आ गई है इसलिए मैं हीरो को परेशान कर रहा हूँ ये बहुत छोटा कारण है और ये ये पुरानी हिंदी फिल्मों में नाइन्टीज तक भी बहुत ही ऐसा कैरिकेचर वाले विलन होते थे जो अच्छे विलन होते हैं वो एक्चुअली बिलीव करते हैं इन देयर right? right. right. आइडियोलॉजी कि ये दुनिया खराब हो गई है यार बहुत भीड़ हो गई फिफ्टी परसेंट hmm. लोगों को मार दो hmm. दुनिया बच जाएगी right. तो हमें लगता है यार बात तो सही कह रहे हैं <laughs> 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 ना? Uh. तो आई थिंक अच्छा एंटेगनेस बनाने का सबसे बड़ा मेथड यही है hmm. कि द दस शुड एक्चुअली बिलीव इन इन व्हाट ही और हमारे लिए चिंटू का बर्थडे में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था आ, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे फिल्म का एंटागनिस्ट है वो अपने हिसाब से एकदम सही कर रहा है राइट वो एक अमेरिकन सोल्जर है जो नया नया इराक में आया है उसको बताया गया है कि वहां पर बहुत डेंजर है और वो देख भी रहा है कि की बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही हैं उसके आंख के सामने फिल्में ही हो रही है अनप्रेडिक्टेबल चीजें तो उसको तो लगता है कि सही बताया गया था यार की यहाँ पर देर इज नो सिविलियन इन इराक

Right. मतलब वो अपनी नजर में इतना सही है कि कि तुम ये मत समझना मैं, समझ मैं तुम्हारा घर तोड़ रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूं. Right. मैं तो सही कर रहा हूँ right. ये कहां से तो आई थिंक तब क्या होता है है आपको लगता है यार इस को डिफ़ीट hmm. तो एकदम अपनी आइडियोलॉजी से सही है. हाँ, हाँ. <laughs> yeah, yeah. सो so, जैसा मैंने कहा कि ईच कैरेक्टर इज अन वो कैरेक्टर पांच मिनट के लिए ही है uh -huh. या वो बहुत ही सेकेंडरी बहुत ही छोटा रोल है उसका uh -huh. उसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है राइट uh -huh. right? तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको हर कैरेक्टर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह बहुत सीरियसली ट्रीट करना ही पड़ेगा right. उसमें मुझे नहीं लगता कोई शॉर्टकट है right. क्यों करना जरूरी है उसके पीछे रीजन ये है कि स्टोरी जो है ना जो कहानी का जो क्राफ्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के विजडम को लेकर बना है यार वो एक्सीडेंट नहीं है एक अच्छी कहानी एक्सीडेंट नहीं है right. एक अच्छी कहानी में देर आर ऑफ ड्रीडियंट्स जो कि उसको बनाते हैं और हम सब जो हमारी जो सबसे फेवरेट कहानियां है फेवरेट uh -huh. फिल्म नहीं फेवरेट कहानी uh -huh. दोनों में फर्क है मुझे एक फिल्म पसंद आ सकती है जिसमें कहानी के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं है बट मुझे फिल्म दूसरे कारणों से पसंद है जैसे फ्यूरी रोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जबकि उसकी कहानी बहुत ही छोटी सी बट अगर कहानी के लिए जो फिल्में पसंद है अगर हम उसको टेबल पे रखेंगे तो हमें दिखेगा कि उस वो कहानियां पसंद आने के बहुत कारण है। uh, जैसे कारण आप डी डी एल जे का मैं एग्जाम्पल देता हूँ डी डी एल जे में पूरी कहानी जैसी है वैसे ही रखो आप लेकिन उसमें से आप uh, दो कैरेक्टर हटा दो एक आप शाहरुख खान के राज के पापा हाँ, अनुपम खेर जो पॉप्स का कैरेक्टर आप उसको हटा दो Yeah. और दूसरा कैरेक्टर काजोल की छोटी बहन छुट्ट हाँ। की उसको हटा दो आप इन दो कैरेक्टर्स को फिल्म से हटा दो कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा लेकिन उनके रहने से कहानी में कितना कितना मजा, कितना मजा रंग आ जाता है रहे, उनके क्यों आता है क्योंकि पॉप्स का कैरेक्टर कोई रैंडम सेकेंडरी कैरेक्टर नहीं है पॉप्स का कैरेक्टर एक रोल प्ले कर रहा है जो रोल हजारों साल पहले अर्जुन के कहानी में कृष्ण कर रहे थे मेंटर गुरु का रोल लव गुरु है पॉप्स लव गुरु है डीडीएलजे में वो अपने बेटे को सिखाते हैं कि प्यार कैसे करना है सिमिलरली सॉरी टू कट यू सिमिलरली अरेस्टिडियम में अनुपम खेरा प्लेड द सेम रोल इन हिज लाइफ हर मदवंस लाइफ या या यू आंसर जस्ट गिव मी दैट क्यू तो अनुपम खेर का कैरेक्टर जो है डीडीएलजे में वो एक मेंटोर का रोल प्ले कर रहा है और मेंटोर का कैरेक्टर कहानियों में हमेशा से रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अच्छे बड़े बड़े कैरेक्टर्स के राम के भी गुरु रहे हैं और जब जब महाभारत में जब अर्जुन हेजिटेट कर रहा होता है तो कृष्ण उसको बोलते हैं कि लड़ो उसी तरह डी में जब सिमरन दूर चली जाती है उस शादी के लिए पंजाब चली जाती है और राज अकेला बैठा हुआ है तो उसके पिताजी आकर राज को बोलते हैं कि बेटा मैंने तुझे तुंदुना बजाने के लिए पैदा नहीं किया है है ना वो अपने बेटे को उसी तरह मोटिवेट करते हैं जिस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को किया था कि तुम हथियार क्यों डाल रहे हो तुम जाओ लड़ो राइट तो इसीलिए उसी तरह जो काजुल की बहन का कैरेक्टर है वो अलाय का कैरेक्टर है जो कि राम के साथ लक्ष्मण थे उसी तरह सिमरन के साथ ये छुटकी का कैरेक्टर है वो एक अलाय है उसकी वो उसकी सहयोगी है राइट तो ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव इंपॉर्टेंस होता है अगर आप उनको अच्छे से बनाओ तो और इसीलिए ये जानना जरूरी होता है कि प्रोटेगनिस्ट और एंटेगनिस्ट में और कौन कौन से रोल्स हैं और कौन कौन से पात्र हैं और कौन कौन सी भूमिकाएं हैं जो आपके बाकी कैरेक्टर फुलफिल कर सकते हैं एक बार वो भूमिकाएं आपने डिसाइड कर ली और उसमें आपने कैरेक्टर को बनाया तो अब वो कैरेक्टर को कहानी से निकालना मुश्किल हो जाएगा जैसे लगान से लाखा को निकालना मुश्किल है लगान से एलिजाबेथ को निकालना मुश्किल है क्योंकि उनको आपने एक भूमिका दे दी है लाका का भूमिका जो है वो रंग सियार की भूमिका है जो रंग बदलता है आप हाँ। एलिजाबेथ की भूमिका वही गुरु वाली मेंटोर वाली भूमिका है है ना तो आपने अपने सेकेंडरी कैरेक्टर्स को आप इंसान की तरह ट्रीट करो और आप अपने सेकेंडरी कैरेक्टर्स को भूमिकाएं दो रोल दो आर्किटाइप दो जो कहानी को नैरेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके बाद वो सेकेंडरी कैरेक्टर मामली नहीं होगा कि आप उसको कहानी से हटा सकते हो

यार मुझे तो लगता है ओवरऑल ही राइटिंग टेकन <laughs> so, uh, 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 I mean, uh, देख के तो, तो थोड़ा लगता ही है कि यार थोड़ी और मेहनत होनी चाहिए थी <laughs> तो uh, वो तो है ही uh, उससे ज्यादा जो हम स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस स्क्रीन प्लेज होती है या स्टूडेंट जो लिख रहे हुए हैं जो राइटर्स अभी लिख रहे हैं उसमें भी फील होता है तो डायलॉग राइटिंग तो यार आ, है आई थिंक राइटिंग के बाकी एस्पेक्ट की तरह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डायलॉग इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मान लो आपको क्रिकेटर बनना है तो आप डाइट भी करोगे मेडिटेट भी करोगे जिम भी जाओगे शायद आप थोड़ा फुटबॉल भी खेलोगे आप रनिंग भी करते हो स्टेमिना बिल्ड करते हो गए लेकिन ये सब कितना भी कर लो अल्टीमेटली तो आपको बैट और बॉल से ही कुछ करना है ना उसी तरह एज अ स्क्रीन राइटर आप कैरेक्टर डेवलप कर लो आप रिसर्च करो आप कुछ जो करना है करो अल्टीमेटली तो सीन और डायलॉग ही लिखोगे ना वरना आप कहानी कैसे कहोगे राइट जो कैरेक्टर वर्क पे आपने अपना टेबल्स और स्प्रेडशीट बनाए हैं वो तो ऑडियंस नहीं पढ़ेगी ऑडियंस तो सीन और डायलॉग ही देखेगी इसीलिए डायलॉग आपका एक्चुअल करेंसी है आपका एक्चुअल ब्रेड एंड बटर तो डायलॉग और सीन राइटिंग से ही है इसीलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगेन उसमें बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये बट एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि राइटर्स को ये पता होना चाहिए कि हम जो डायलॉग लिखते हैं वो हम पढ़ने के लिए नहीं लिखते हैं वो हम सुनने के लिए लिखते हैं लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो हम उसको लिख देते हैं और आंख से देखकर जज करते हैं कि कितना सही है अगर सही है आपको डायलॉग बोल बोल कर लिखना चाहिए आप बोल बोल के लिखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, नहीं। आपके डायलॉग का साउंड नहीं आपके कान में आएगा तब तक आपको उसके प्रॉब्लम नहीं नजर आएंगे नहीं। 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 तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं बट आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आ, हमने बचपन से शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी नॉवेल्स पढ़ी और उसमें जो डायलॉग होता था वो सुनने के लिए नहीं होता था पढ़ने के लिए होता था राइट तो इसीलिए हम लोग की ट्रेनिंग ही ऐसी है राइट हम भूल गए हैं कि यार फिल्म का डायलॉग तो सुनने के लिए है तो इसीलिए डायलॉग बोल बोल कर होना चाहिए डायलॉग तो आपनेटे uh -huh. आप से समझते हो उसके uh हो -huh. आप अगर बॉम्बे के चार कॉलेज के लड़के आपस में बात कर रहे हैं और आप yeah. उनका डायलॉग लिख रहे हो uh -huh. और उनके डायलॉग में आपने आज का पॉप कल्चर रेफरेंस नहीं डाला uh -huh. तो फिर आपके डायलॉग में सोशियो कल्चरल रिचनेस की कमी है राइट तो मुझे लगता है कि डायलॉग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर और वो अगर आपने अच्छे से बना लिया तो आई थिंक एक फाउंडेशन सही है उसके बाद डायलॉग बन सकता है तो एज अ राइटर शुड आई बी माइंडफुल कि हाँ, ये मोमेंट पे सॉन्ग आएगा या ये मोमेंट पे सॉन्ग आएगा या फिल्म में चार गाने आएंगे तो वो किस मोमेंट पे आएंगे शुड आई एज अ राइटर बी माइंडफुल ऑफ दैट थिंग आई थिंक इसका सिंपल uh, आंसर नहीं है एक तो है कि आपका टेस्ट क्या है आप कैसी फिल्म लिखना चाहते हो आप गानों को कितना इम्पोर्टेंस देते हो मुझे नहीं लगता कि उसको छोड़ के जबरदस्ती किसी और को फॉलो करने की जरूरत है आपको पहले फिगर आउट करना चाहिए आपको क्या पसंद है और आप कैसा कैसी फिल्म देखना और लिखना चाहते हो अगर उसमें नेचुरली गाने का स्कोप है तो आप वो आपको लिखना चाहिए दूसरी चीज है कि हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन एक फिल्म आप लिख रहे हो उसमें आपको लगता है कि स्कोप है तो फिर शायद आपको लिखना चाहिए तीसरा कंडीशन है कि आपको नहीं लगता मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे बाकी कोलेबोरेटर्स ने बोला है uh, तो शायद आपको गानों का सिचुएशन uh, बनाना चाहिए स्कोप बनाना चाहिए और एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि गाने का स्कोप कहाँ कहाँ पर है वो भी देखो दो तरह का हो सकता है एक जहां पर वो कहानी का हिस्सा है बहुत नेचुरली आ जा रहा है और दूसरा जहां पर आपने जबरदस्ती आपने डाला है आइटम सॉन्ग आइटम सॉन्ग बोलो या एक फिलर बोल दो मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी आ, मैं तो जज नहीं करता हूँ इसको मतलब मेरी बहुत ज्यादा पसंदीदा फिल्म है सत्या और सत्या में कई गाने हैं जो जबरदस्ती के डाले हुए हैं वो गाने जबरदस्ती के इसलिए हैं क्योंकि वीनस वालों ने बोला था कि पांच छह गाने डाल दो जो बनाना है बनाओ और उसी के कारण राइटर डायरेक्टर को इतना फ्रीडम मिला कि उन्होंने अपनी मर्जी की फिल्म बनाई तो मुझे लगता नहीं है है कि इसमें कोई प्रॉब्लम क्योंकि कई बार गाना डालने से कहानी बनना बनाना बेचना आसान हो जाता है और फिल्म इतना एक्सपेंसिव मीडियम है कि अगर उसमें गाना डाल के करना पड़े तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आइडियली ऑफकोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली तो कहानी में जो गाना जरूरी है वही होना चाहिए और इसीलिए कई ऐसी फिल्में है जहां पर गाने बिल्कुल सटीक बैठते हैं और वहां बहुत मजा भी आता है आप लगान के गाने हटा दो तो मजा ही नहीं आएगा फिर वो इतना छे के गाने छे के बढ़िया और इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं। नहीं। कर रहे हैं नहीं। 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 तो इसीलिए मेरे हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर है इसका अब इसमें कि अगर लिखना है तो लिखें क्या एज ए राइटर आप क्या लिखें आपका क्या काम है मेरे हिसाब से आपका काम बस इतना है कि आप दो लाइन में लिख दो कि कुछ इस किस्म का गाना यहाँ पर होगा उससे ज्यादा आपको okay. लिखने की जरूरत नहीं है बाकी लिरिक्सिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर वो लोग डिसाइड करेंगे कि hmm. क्या तक यूजुअली ये ब्रेक लेने का हमेशा सजेस्ट किया जाता है एक अ ब्रेक ऑफ अ मंथ काइंड ऑफ फिर आप दोबारा उस स्क्रिप्ट uh, को पढ़िए तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ये यह है कि हाउ टू फाइंड लूप इन योर ओन स्क्रीन प्ले बहुत मुश्किल है इसलिए मेरे हिसाब से तो आपके पास एक फीडबैक सर्कल होना चाहिए एक फीडबैक ग्रुप होना चाहिए आपकी लाइफ में तीन लोग होने चाहिए आपके अलावा कम से कम जो आपको फीडबैक दे सके ओके। लेकिन अगर खुद से करना है तो बहुत मुश्किल काम है मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं जब भी आप एक सीन पढ़ रहे हो या एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो ना तो जो आप पढ़ रहे हो उसको आप डिवाइड करने की कोशिश करो दो डिफरेंट पार्ट्स में पहला पार्ट यह है कि क्या स्टोरी व्हाट इज अनफोल्डिंग दूसरा पार्ट है हाउ इट इज अनफोल्डिंग हाउ इट इज कमिंग अक्रॉस टू सीन है कि कैप्टन रसल ने भुवन को चैलेंज दिया क्रिकेट का और भुवन ने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज ट इजनिंग दिस इजनिंग हाउ इज इट उसमें आप देखोगे कि आप अब थोड़ा एक सर्टेन नुआंस uh, के साथ देख रहे हो आप देख रहे हो कि यार जो हो रहा है वो तो सही है लेकिन जैसे हो रहा है उसमें मजा नहीं आ रहा है तो अब आपको पता है कि रीराइट में आपको हाउ को चेंज करना है वॉट को नहीं चेंज करना अच्छा। कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा यार जो हाव है वो बहुत मजेदार है सीन अपने आप में बहुत मजेदार है लेकिन सीन का जो वॉट है वही बहुत बेकार है उसी <laughs> का कोई लॉजिक नहीं है <laughs> तो अब आपको वॉट चेंज करना है हाउ तो ऐसे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब चेंज होगा तो एक बार आप अपने मटेरियल को वॉट और हाउ में स्प्लिट करके देखना शुरू करोगे ना तो एक ऑब्जेक्टिविटी आएगी तब आप अपने आप को कह सकते हो मेरी कहानी सही है लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं उसमें प्रॉब्लम है ये आप पकड़ पाओगे एग्जैक्टली ये आप पकड़ पाओगे जब आप ये और हाउ में अलग अलग करके देखना शुरू करोगे सो यू द राइटर टू टू डू इट सीन सीन, पूरा ड्राफ्ट -पूरा लिखने के बाद ब्लैंक पेज पे लिखता हूँ माई प्रोटैगनिस्ट वॉट इज द जर्नी ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऐसे बहुत ब्रॉड क्वेश्चन के आंसर लिखता हूं जिससे मुझे ब्रॉडली समझ में आए कि वॉट इज गोइंग ऑन राइट और एक बार मैंने वो फिगर आउट कर लिया तो फिर सीन लेवल पर मैं लिखता हूँ कि अच्छा वॉट इज हैपनिंग इन दिस सीन वॉट इज द स्टोरी इन दिस सीन वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस सीन और तब तो मुझे खुद ही दिख जाता है कि हाँ यार वो फंक्शन तो नहीं हो रहा है जितना रहा। सोचा था Do you stick to a particular time of the day of the night, or you

जो मतलब द बेस्ट परफॉर्मेंस जो है मेरा उसको अगर हम देखें तो आई राइट एज अर्ली इन द डे एज अर्न दॉबल जल्दी उठो जल्दी लिखो पूरा दिन फिर like, पूरा दिन फ्री रहो फिर, फिर पूरा दिन एंजॉय करो अपने आप को क्योंकि मैं ना अपनी राइटिंग के क्वालिटी को जज नहीं करता हूँ कभी भी और मुझे लगता है कि मोस्टली जो मैं लिख रहा हूँ वो खराब है <laughs> तो मैं अपनी राइटिंग के क्वालिटी को जज नहीं करता तो फिर मेरा वैलिडेशन कहा से आएगा मेरा वैलिडेशन सिर्फ क्वान्टिटी से है मैंने जितना सोचा था उतना लिख लिया हाँ लिख लिया अब मैं पूरा दिन सेलिब्रेट करूंगा। <laughs> right. तो हाँ, लिए, लिए आ, आ राइटिंग खत्म हो जाता है उसके बाद मैं बहुत चिल करता हूँ बाकी मीटिंग्स करता हूँ मूवीज देखता हूँ किताबें पढ़ता हूँ लेकिन आज की राइटिंग नहीं हुई तो अभी इंटरव्यू के बाद राइटिंग कराई एक और एडिशनल क्वेश्चन है 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 इसी के 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 साथ हमारा story, uh, right? हमारा स्टोरी स्टोरी स्टार्ट एंड होता होता राइट बट वी वी प्ले विद विद द द द द जैसे डेज ऑफ ऑफ समर सो पिचिंग वक्त वक्त शुड स्टिक फ्लो की लड़का लड़की से मिला हुआ हुआ वो फिल्म हुआ, वो हुआ, Right. तो प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो या एक्टर हो uh -huh. उसको ये देखना है कि फिल्म कैसे अनफोल्ड होगी। जो, uh -huh. अच्छा. तो right. so right. जो, जो पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो है कैसा, ब्लैंका। oh, हाँ, yeah. कैसा ब्लैंका का स्क्रीन प्ले बहुत oh. uh, बहुत कुछ सिखाता है आपको और इनफैक्ट रॉबर्ट मकी के हिसाब से इट इज श्योर उसके बाद मेरे हिसाब से कोई ना कोई हॉरर फिल्म का स्क्रिप्ट जरूर पढ़ना चाहिए आप okay. देख लो आपका फेवरेट uh -huh. हॉरर फिल्म कौन सा बट uh -huh. uh -huh. क्योंकि हॉरर जॉनरा जो है ना वो स्क्रीन राइटिंग के बारे में बहुत चीजें सिखा देता है आपको स्पेशली इमेज और साउंड को यूज करके सस्पेंस uh, और इंफॉर्मेशन uh, रिवील कैसे करना है इमोशनली पावरफुल राइटिंग कैसे करनी है इन सब चीजों को लेके काफी कुछ बताता है क्योंकि हॉरर आप देखोगे बहुत ज्यादा डायलॉग पे रिलाई नहीं करता नहीं। वो टाइम और मोमेंट्स और साउंड और इमेजेस पे रिलाई करता तो हॉरर जरूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से हॉरर लिखना भी चाहिए एक स्क्रीन राइटिंग जब आप सीख रहे हो तो तो एक तो हॉरर फिल्म आपको लिख डालना चाहिए अच्छा <laughs> एक एक है सिटीजन केन के लिए अलग स्क्रिप्ट में एक तो स्ट्रक्चर का बहुत ही बहुत खूबसूरत अच्छा है उसका स्ट्रक्चर मतलब जो अभी आप बात कर रहे थे फाइव डेज ऑफ समर इन सब चीजों का शुरुआत ही वहां से हुई है मतलब फिल्म पांच मिनट के अंदर पूरी फिल्म की कहानी वो बता देते हैं <laughs> उसके बाद वो वॉट बता देते हैं हाउ पे चले जाते हैं कि हाउ जो हुआ वो क्यों हुआ क्यूं। और फिर वाई पे जाते हैं कि क्यों हुआ ऐसा तो आ, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सिटीजन किन का डायलॉग बहुत कमाल है कमाल कमाल के डायलॉग है तो सिटीजन आई मस्ट से डायलॉग की बात है तो रिचर्ड लिंकलेटर की स्क्रिप्ट्स मुझे लगता है कि हमको पढ़नी चाहिए बिफोर सनराइज बिफोर सनसेट और बिफोर मिडनाइट की ट्रिलेजी है वो मुझे लगता है कि हाँ, हाँ, वो जरूर पढ़ना चाहिए आई थिंक एक अलेक्जेंडर पेन की मूवी है साइडवेज। okay. हाँ साइडवेज का स्क्रीन प्ले मुझे बहुत पसंद है वो मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए लोगों को गॉड फॉर श्योर हाँ गॉडफादर का स्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया है वो पढ़ना चाहिए रिसेंट पास्ट में मेरी एक बहुत पसंदीदा फिल्म है जिसके बारे में बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं उसका स्क्रिप्ट मैं हर साल पढ़ता हूँ एक बार उसका नाम है शॉर्ट टर्म ट्वेल्व टर्म शॉर्ट टर्म ट्वेल्व बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट और बहुत बढ़िया फिल्म है और उसमें बहुत कुछ सीख सीखने को है उस स्क्रिप्ट में तो वो भी मुझे लगता है कि अच्छा है बहुत ही अच्छा है वो और फिल्म में जो सीन और एक्शन डिस्क्रिप्शन होता है ना वो कैसे लिखते हैं वो भी इंसान को सीखना चाहिए जैसे मैंने तो स्लमडॉग मिलेर से ही काफी कुछ सीखा था बहुत उसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन था एक्शन का और विजुअल्स का तो आ, कोई भी एक्शन फिल्म जैसे मान लो कोई फिल्म है जिसमें बहुत बढ़िया रेस या रेस जैसे एक रश करके एक मूवी आई थी। वैसा कुछ जरूर पढ़ना चाहिए Because उसमें आपको सीखने को मिलेगा कि एक्शन एक्शन कैसे लिखते हैं, आ, और सीन डिस्क्रिप्शन तो, तो उसके अलावा डायलॉग के लिए आप अलेक्जेंडर पेन रिचर्ड लिंगो ब्रदर्स इन लोगों की कोई कोई स्क्रिप्ट पढ़ो स्पेसिफिकली अगर आपको चाहिए तो कैसा ब्लैंका और सिटीजन केन दोनों बहुत बढ़िया है आ, बिली वाइल्डर की आ, दी अपार्टमेंट है रहे, रहे, वो कॉमेडी के लिए कैरेक्टर कॉमेडी के लिए वो वो बहुत बढ़िया है इन ब्रूज करके एक डार्क कॉमेडी डार्क क्राइम कॉमेडी फिल्म है उसकी भी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बहुत बहुत ही आ, बहुत बेहतरीन है तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि दीज आर दैट कम टू माइंड इंडिया में मुझे नहीं पता अभी कितने स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं आज के डेट में होने लगी हैं अब बट इंडियन फिल्मों में अगर हम पुरानी फिल्मों की ओर जाएं तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की राइटिंग बहुत ही अच्छी होती थी आज भी बहुत देखी जाती बहुत, बहुत, हाँ, बहुत रेलिवेंट है आज भी वो पुरानी नहीं होंगी तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में गुलजार की फिल्में श्याम बेनेगल की फिल्में आ, ये उस जमाने से मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूजफुल है एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न और रिसेंट uh, टाइम में डेफिनेटली uh, राजकुमार हिरानी की पहली दो फिल्मों में से जो भी आपको ज्यादा पसंद है आपको एम बी बी एस और लगेर मुन्नाभा में से जो भी ज्यादा पसंद है उसका स्क्रीन प्ले uh, मेरे हिसाब से उसके बाद ऑफकोर्स एक जयदीप जयदीप साहनी Right. का घोसला का घोसला पर उन्होंने ऑल बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखी हैं बट घोसला का घोसला पर है जूही चतुर्वेदी की अक्टूबर yeah. वो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है राइटिंग सीखने के लिए तो वो और सुदीप शर्मा बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं right. तो आई वुड से सुदीप शर्मा की आप जो भी आपको पसंद हो उनका एन उड़ता पंजाब पाता लोक सोन इसमें से जो भी आपको पसंद है और अवेलेबल है right. वो मुझे yes. लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए मुझे तो याद है जब मैंने उड़ान की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मैंने फिल्म बनने के पहले पढ़ी थी right. तो सो मच इट इटर टू थैंक यू बाय थैंक यू फॉर लिस्टिंग If you liked it, please subscribe the show and share it with your friends. You can also follow us on Instagram for regular updates. Details mentioned in the description. Thank you for your time.